जी, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। बहुत ही थकी थकी लग रही होंगी, वैसे थोड़ी सी थकी हुई हूँ मैं, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज। डार्लिंग, वो भाई आपकी टैक्सी वेट कर रही है। बस मैं जा रही हूँ, आप थोड़ा मेरे सब्सक्राइबर्स को हाय हेलो तो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो है नहीं, खैर गुड आफ्टरनून है। और आपके लिए मैंने आज कोकोनट वाटर डाल दिया। थैंक यू वेरी मच। और आज ये पापा ड्यूटीज पर हैं, मैं इतनी थकी हुई इसलिए हूँ क्योंकि मैं भाग भाग के सुबह से काम कर रही थी। मुझे ना कॉल पे जाना, अगर आप बात कर लो। कल का व्लॉग देखा होगा, वो मेरे को इधर से जाना है क्योंकि सामने काम चल रहा है। खोले आप प्लीज, अगर आपने मेरा कल का व्लॉग, थैंक यू वेरी मच एंड लव यू, सी यू सून, डोंट वरी अबाउट अस। ओके, तो अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा तो मैं जिम से आई थी और फिर आकर व्लॉग एडिट करा, कपड़े वपड़े देखे, भैया को हैंड ओवर दिया, बाय भैया इनके। चलो देखती हूँ भाई, तो मैं टैक्सी में जा रही हूँ क्योंकि सौरभ की कॉल्स हैं, वो मुझे छोड़ने नहीं जा सकता। ओके, चलो जी टैक्सी आ गई है मेरी। बस यार लाइफ इतनी बिजी चल रही है, एक के बाद एक चीज़ें होती जा रही हैं। एनीवे अभी तो आई एम ऑफ टू माय हैप्पी प्लेस, तो मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज। तो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू शेयर सम स्टोरीज विद यू गाइस। क्या होता है कि क्लाइंट्स ना इतने कम्फर्टेबल नहीं होते हैं कि उनकी स्टोरीज़ बनाकर आप पोस्ट कर सको, तो मुझे पूछना पड़ता है। एनीवे जाती हूँ और जो कुछ भी आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी करूँगी। और बड़े सारे लोग ना मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि हमारे बालों का कलर ये है, क्या हम ये लगवा लें, हम इंडिया से ये करवा कर आए थे, यहाँ पर ये नहीं मिलता। देखो ये सब बताना ना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज मैंने आपके बालों का ना तो टेक्सचर देखा है, ना आपके बालों का कलर देखा है, ना आपकी स्किन टोन देखी है, तो मैं आपको ना कुछ सजेस्ट कर ही नहीं पाऊँगी। तो आई एम वेरी सॉरी जिन लोगों ने मुझे DMs करे हुए हैं और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, उसका रीज़न यही है क्योंकि मैं आपको कुछ भी गलत सजेस्ट नहीं करना चाहती। तो बस मैं कॉलेज आ चुकी हूँ और आज मुझे एक क्लाइंट मिला है जिसका मुझे कट एंड ब्लो ड्राई करना है, तो पता नहीं मैं उसको शूट कर पाऊंगी कि नहीं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पर देखते हैं। हेलो एवरीवन, तो हो गई है शाम और डैडी की पहली ड्यूटी पूरी हो चुकी है। हाउ आर यू? हाउ वाज असेसमेंट? बस गुड गुड। तो कोई हेलो नहीं बोलना? हेलो। बट व्हाट वाज द बेस्ट थिंग इन असेसमेंट टुडे? तो मैं और अबीर जा रहे हैं हम कुछ खाने के लिए। आज हम जा रहे हैं फाइव गाइस, तो चलते हैं बर्गर खाते हैं बढ़िया सा एक। आज मैं भी खाऊंगा यार, बड़े टाइम से मैंने नहीं खाया फाइव गाइस का बर्गर। तो प्रीति गई हुई है अपने कॉलेज, तो मैंने सोचा यार चलो मैं आज अबीर को बाहर लेके चलता हूँ। अबीर, विल क्लीन यू अप एंड विल गो। ओके, कोक जीरो पिएगा भी है। बहुत गर्मी है यार यहाँ पे, 24 डिग्री आज हो रखा है। इट्स एक्चुअली इट फील्स वेरी हॉट, 23.5 टू बी एग्जैक्ट। चलो लेट्स गो। चलो लेट्स गो। तो मैं पक्का शॉर्ट ही चेंज करनी थी, तो हम आ गए हैं फाइव गाइस। नो व्हाई, तो फाइव गाइस के बर्गर्स एक्सपेंसिव आते हैं। जैसे एक बर्गर अबीर का है 865, मेरा 695, एक प्राइस 425 की है, लेकिन क्वालिटी इज लाइक सुपर्ब यार। अभी देखना जब आए ले आए। वेल डन। विच वन इज माइन? कैन यू वर्क इट आउट? आई डोंट नो, इट माई विन विल बी टू आई थिंक। Let me check. The heavy one will be mine, the light one will be yours. Yeah. So ye mera hai number 2. Ye number 2 isliye likhte hain kyunki mera second number pe order hua tha. Aur kya? Oh, isme rehne do thodi der. Isme rehne do, isme rehne do. Aur inki fries ki main aapko ek khasiyat batata hu. Dekho, ek to ye fries hai maine order jo kari thi. Aur ek iske andar fries hai. Itni sari. To double de dete hain aapko. To jao baith jao, hum khana. तो ये मेरा बर्गर है, आप देख सकते हो कितना बड़ा है। और ये अबीर का है, चीज भी है। ट्राई वन एंड लेटस एंड लेटस यार, वेजी भी तो खानी है हमने। सुपर्ब। वैसे तो मुझे क्लाइंट का करना था कट एंड ब्लो ड्राई, लेकिन वो क्लाइंट आई नहीं तो मेरी टीचर ने मुझे दूसरा क्लाइंट दे दिया। और इस क्लाइंट को करवाना था हेयर कलर, वॉर्म ब्लॉन्ड पूरे बालों पे। तो बस फिर मैंने उनके बालों को करा सेक्शन और उनके पूरे बालों पे कलर अप्लाई करा, फॉयल्स लगाई। ये जो आपको ऐसे फॉयल्स लगी हुई दिख रही हैं, इनको करने में काफ़ी समय लगता है पर मज़ा भी आता है। तो जब एक बार क्लाइंट का पूरा कलर ड्राई हो गया तो मैंने सोचा चलो एक फॉइल खोल के देखते हैं और देखते हैं कि कलर आया है कि नहीं आया है। और कलर आ चुका था और बहुत अच्छे लग रहे थे क्लाइंट के बाल।
तो मुझे 3 से 4 घंटे हो गए थे उनका ये कलर करते हुए, तो मुझे क्लाइंट काफ़ी टायर्ड लग रही थी और बोर भी लग रही थी, बिकॉज आपको इतनी देर तक बैठना पड़ता है जब भी आपका फुल हेयर कलर होता है। बट मैंने उनको फटाफट से करा हेड वॉश और रिजल्ट आपके सामने है। तो अभी की चल रही है पढ़ाई, इसके लिए मैंने मैथ्स की बुक्स मंगाई हैं। ये मैथ्स के टेस्ट की बुक्स हैं, 10 मिनट टेस्ट, और मैंने इंग्लिश की भी मंगाई हैं, ग्रामर मैथ्स। तो बहुत सही है यार, ये 10 मिनट्स के टेस्ट हैं, है ना वीर? क्वाइट गुड ना? तो अभी मैथ्स का कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन है, 10 मिनट्स। 5 नहीं है, 6 है, 5 है इस वाले में, जनरली 6 होते हैं ना? Yeah, 6. Like, yeah. That, oh, five. इसमें 5 है, लेकिन पहले वाले में 6 थे ना? Yeah, like. कोई बात नहीं, आप मुझे मत दिखाओ। Oh, no. सब में 5 है, नहीं हाँ सब में ही 5 थे एक्चुअली, yeah. मुझे गलत लग रहा था, नहीं इसमें 6 है। कोई बात नहीं, चलो 5 to 6 क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू फिनिश, यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, कम ऑन। कम ऑन, गुड बॉय। तो गार्डन में मैंने पानी चलाया कि यार थोड़ी घास अच्छी आनी शुरू हुई है, तो ज़रा यू नो बेटर करें। और ये सारी जो वीट किलर डाल के गए थे वो सारा, आप देखो सारी वीड्स मर गई हैं, बहुत सारी वहाँ पे भी हैं, तो मैं इसको वीकेंड पे जब टाइम मिलेगा तो निकालूंगा, और फिर होपफुली यार ये घास बेटर हो जाए हमारे टाइम के लिए। तो अब जाके पानी को ज़रा चेंज करता हूँ, थोड़ा आगे लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। होमवर्क हो गया, मैथ्स का टेस्ट। तो अभी के लिए मैंने अभी आम काटे हैं, प्रीति ने बोला था इसको भिगो के रखना। कैसे हैं? थोड़ा आगे हुए खाना, गिराना मत बेटा, ठीक है? इन्जॉय, फिर उसके बाद दोबारा करेंगे, ठीक है? एक तो डैडीज़ की सारी ड्यूटी पूरी होने के बाद इनको देखो ज़रा, आपका स्लीपिंग टाइम है। अच्छा चलो जल्दी अपना रीडिंग ख़त्म करो, देन बैक टू द बेड, अपने बेड पे जाके सो जाओ, ठीक है? इस बेड। अच्छा बेटा इस बेड पे सो जाओ, ठीक है? रीडिंग जल्दी ख़त्म करनी है, 20 मिनट्स की रीडिंग एंड देन स्लीपिंग टाइम, ओके? Do you want some water? Yeah. Okay. तो बस मैंने अभी अभी अपना कॉलेज फिनिश करा है, और तो आज के क्लाइंट का हमें हेयर कलर करना था, मतलब मैं बहुत थक चुकी हूँ, बात भी नहीं करी जा रही मुझसे, तो हेयर कलर करना था। पहले उनको बलयाद चाहिए था, फिर उसके बाद शी डिसाइडेड कि नहीं आप जो ये वॉर्म ब्लॉन्ड कलर है इसको पूरा ऊपर तक ले जाओ। तो बस उस चक्कर में ना बहुत टाइम लग गया, क्योंकि आपको सेक्शन बाय सेक्शन ब्लीच लगानी होती है, फिर उनको फॉइल करना होता है, तो बस इन सब चक्करों में बहुत टाइम लग गया। और अभी रात के बज रहे हैं 9:30, ऐसे मेरी 8 बजे क्लास ख़त्म हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो अब बस मैं घर जा रही हूँ, अपनी टैक्सी का वेट कर रही हूँ, घर जाती हूँ। यार थक गई हूँ, भूख लगी हुई है, नहीं समझ नहीं आ रहा क्या खाऊँ, कई बार इतना ज़्यादा थक जाते ना, कुछ समझ ही नहीं आता अब क्या खाऊँ। चलो कोई बात नहीं यार, एक ही दिन होता है हफ्ते में, और भगवान करे जल्दी बहुत सारे दिन हों हफ्ते में, बिकॉज मुझे तो वैसे भी काम करना अच्छा लगता है। तो चलो चलते हैं घर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग दिखा रहे हैं हम आपको खाली चेयर्स के साथ, बट अभी 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 सूर्य जी अपना ब्रेकफास्ट करके फुल चेयर हो गई। तो जब स्कूल की छुट्टी होती है ना, जब वीकेंड होता है, उस दिन पूरे सीरियल्स ख़त्म कर देता है, मेरे पास आ जाता है, मुझे बोलता है मम्मी इट्स ऑल फिनिश। जब स्कूल जाना होता है मम्मी बोलती रहती है अभी खा लो, अभी अब इसका ना टाइम ख़त्म हो गया, चलो बेटा अब टॉयलेट में चलो, अब रेडी होना है बेटा, चलो चलो चलो। खुश पता क्यों है इतना? एक तो है आज फ्राइडे, ऊपर से आज शॉर्ट्स तो रोज पहन रहे हो, आज थोड़ी ज्यादा गर्मी है। चलो कोई बात, आओ चलो रेडी होते मेरे बच्चे, ये छोटी सी गुड़िया। हेलो जी, कैसे हो सब लोग? तो सॉरी कल मैं कॉलेज से आने के बाद बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, हिम्मत ही नहीं बची थी, तो बस घर वापस आई, शावर लिया, खाना खाया,
और बस फिर सोने चली गई। मतलब कि इतनी भी स्मूथली सब कुछ नहीं हो गया, लॉन्ड्री करनी थी, फिर अपने पोचे शोचे मारने होते हैं हमें अपने रात को। हालांकि सौरभ ने बहुत सारा काम करके रखा हुआ था, थैंक्स टू हिम, उसकी सपोर्ट के बिना भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, जैसा कि मैं हमेशा ही व्लॉग्स में बोलती हूँ। हाउएवर अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, तो आप लोग देख चुके हो अभी चला गया है स्कूल और मैंने पौधों वौधों को दे दिया है पानी। तो अब मैं जा रही हूँ जरा अपने घर के पास ही टेस्को है, वहां से मील डील लेने। तो सौरभ ने मुझे बोला कि तू ना कुकिंग में टाइम वेस्ट मत कर, तू फटाफट से जा और मील डील लेकर आ टेस्को से। तो टेस्को में कोई मील डील मिलती है, क्या मील डील है मैं आपको बताती हूँ। अभी चलते हैं साथ में और लेकर आते हैं और सौरभ को ही खिलाते हैं, क्योंकि काफी देर हो गई है, उसका अब लंच का टाइम होने वाला है और मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक करने का टाइम होने वाला है। तो चलते हैं लेकर आते हैं और फिर आपको आकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी बताती हूँ। तो बस गाड़ी पार्क कर दी है, चलते हैं टेस्को के अंदर। तो यहाँ पे ना बड़ी अच्छी सी मील डील मिल जाती है, तो 340 पाउंड में आपको एक मेन डिश ले सकते हो, एक साइड्स ले सकते हो और एक ड्रिंक ले सकते हो। नॉट बैड यार 340 पाउंड। तो मेरे पास क्लब कार्ड है, क्लब कार्ड पे 340 है, अदरवाइज 390 है। मैंने दो मील्स ले लिए, एक अपने लिए एक सौरभ के लिए। नॉट बैड यार, बैड यार, 6.80 पेंस में इतना सारा खाना आ गया। तो मैं ये सैलड है नीचे, चिकन सैलड, सॉरी ऊपर सारे पत्ते पत्ते आ गए। कोई बात नहीं, ठीक है। और सारे तूने अच्छा आइडिया दिया कि ये ले आकर ले आ, सही है यार। 3.40 में तो इट्स अ वेरी गुड डील। मैं घर में बनाती, मैं ऐसा नहीं, मैं घर में बना नहीं सकती, मैं बना सकती हूँ लेकिन ऑब्वियसली कभी कभी हम यहाँ से भी खा सकते हैं, वो फ्रेश की फ्रेश है। इट्स अ वेरी गुड डील, इट्स अ वेरी गुड डील सीरियसली। तो बस हमने खाना वाना खा लिया है, इनफैक्ट शाम हो गई है, तो बस अब हम करने लगे एक वीडियो शूट और उसके बाद हो जाएगा अबीर को स्कूल से लाने का टाइम। तो जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, यही वो बात है जो मैंने मुझे आपको बता रही थी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक खास बात बताती हूँ आपको। तो खास बात यही है कि हम करने लगे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम अपनी हॉलीडेज कैसे बुक करते हैं, हम अपनी डेस्टिनेशन कैसे चूज करते हैं, हम कौन कौन से होटल्स में रुक चुके हैं, कौन कौन सी कंट्रीज में जा चुके हैं पिछले एक साल में, और अभी जो हमने माल्टा का ट्रिप करा है उसका होटल हमने कैसे बुक करा। तो वो सब कुछ हम आपको बताएंगे उस वीडियो के अंदर, जो जो आप हमसे पूछते रहते हो हमारे ट्रैवल से रिलेटेड। तो आप लोग वो कल वो वीडियो देखना मत भूलना। मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड और आपको मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, ठीक है जी। चलो जी, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।